हाय फ्रेंड्स, बच्चों क्या हाल है? बेटा आज पता नहीं मुद्दत के बाद आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी बीमार रही हूँ बच्चे। काफ़ी दिन मेरे ख्याल मैं कोई 45 डेज बिस्तर पे रही हूँ। मुझे कोरोना की सेकंड वेव आ गई थी बेटा, अब मैं ठीक हूँ बेटा। तो इसलिए आज मैंने एक सूट बनाया, तो ये देखें बेटा, ये एक सूट है, ये ध्यान से देखें, ये देखें बेटा। तो मैं इसकी बाजू बनाने लगी थी, तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैं बच्चों को सिखा देती हूँ ये वाला। सो बेटा आज मैं अभी ये शर्ट का फ्रंट है, तो अब मैं आप इसकी बाजू दिखाने लगी हूँ बच्चे। पहले मुझसे कलर देखें बेटा कौन कौन से हैं। मैंने यहाँ पे सैप ग्रीन, लेमन येलो, ये कलर यूज़ किया ग्रीन में। ये जो है ये वाइट है, प्रशियन ब्लू, टर्कोइज ब्लू, ये तीन चीज कलर्स है। जो बीच में है बेटा ये क्रोम येलो है, ये ठीक है बच्चा। ये देखें, अब मैं ये आपको स्लीव इसकी बनाने सिखाने लगी हूँ। सो बेटा ये मैंने जो कलर्स हैं ये मैंने आपको बताया अभी। पहले हम फूल बनाते हैं बच्चे। ये मैंने पतला सा रंग किया है टर्कोइज ब्लू का, रोजी रंग हल्का सा। साथ में मैं वाइट ले रही हूँ, साथ में मैं प्रशियन ब्लू ले रही हूँ। बेटा मैंने बड़ी बड़ी बॉटल्स ली हैं अभी, ये देखें, ये मैंने प्रशियन ब्लू थोड़ा सा डाल लिया है, एक दो ड्रॉप्स। ये सारे कलर्स बेटा फेविक्रिल वालों के हैं। आप पूछते हो ना कौन कौन सी कंपनी के हैं, तो सारे फेविक्रिल के हैं। सो ये देखें बेटा, ये मैंने फूल बच्चे ट्रेस किया, ट्रेस करवाया है, किया नहीं मैंने खुद पहले बच्चे। ये देखें, कभी कोई बोलता है बच्चे भाई सारा वाइट कलर करो, फिर सेकंड कोट करो, फिर तीसरा करो, ऐसे नहीं करना बेटा। ये देखिए मैंने थोड़ा सा वाइट कलर लिया है, ये वाइट कलर बेचा मैंने ये फूल की आउटलाइन को कर रही हूँ बेटा मैं, क्योंकि जब ट्रेसिंग की होती है बेटा तो उसकी लाइन को कोशिश करो छुपाने की। ये देखे बेटा, ये मैंने किया, उसके बाद मैंने इसको टर्कोइज ब्लू से ये बेटा मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ, फूल के नीचे की तरफ। मेरा फ्लैट ब्रश है बच्चे, आपको जितना चौड़ा की जरूरत हो, जिस जैसे जिसके साथ आपका हाथ चलता हो आप बेटा वो ले लिया करो। अब मैंने इसको बेटा ये प्रशियन ब्लू डाला था मैंने, ये देखें बेटा ये प्रशियन ब्लू। अब मैंने प्रशियन ब्लू वाला ब्रश को साफ कर लिया, ड्राई कर लिया ब्रश को। अब मैं इसको बेटा ये देखें ध्यान से, जो वाइट थोड़ी सी आउटलाइन बेटा इसको रहने देना, इसको खत्म नहीं करना वाइट आउटलाइन को। ये देखो, अगर कभी आपको ब्रश से ना समझ आए तो बेटा ये आपकी फिंगर ले लो, फिंगर से थोड़ा सा ब्लेंड कर लो बच्चे दांत को। ये देखो जैसे ये व्हाइट लाइन थोड़ी सी कम हो गई है, ये हल्की सी मैंने व्हाइटिंग लाइन को और बना दिया। अभी सब कुछ गीला गीला ही है बेटा, गीले पे ही ये आप ब्लेंड कर दो बेटा ब्रश के साथ। पूरी पूरी पत्तियों को पहले व्हाइट कलर नहीं करना, ये
ऐसे बेटा दो तीन रंग मैंने देखो इकट्ठे यूज कर दिए हैं, ये देखें, क्योंकि बच्चे इससे हार्डनेस कम आती है, जितना रंग कम यूज करोगे। फिर देखो मैंने फिर वाइट कलर लिया है, इस पत्ती को मैंने यहाँ से ऊपर लाना है बेटा इसके, ये देखे बेटा, टर्कवाइज आ गया बेटा। बड़ी देर के बाद बेटा ब्रश उठाया मैंने, अब बेटा मैंने ब्रश को फिर पोंछ दिया है, उसके बाद मैंने ये प्रशियन ब्लू थोड़ा सा लिया है, ध्यान से बेटा आराम से शेडिंग करनी है। जरूरी नहीं होता बेटा भी सारी पत्तियां हम एक जैसी बनाए, ऐसा नहीं होता बेटा। रफ कपड़ा बेटा हमेशा अपने पास रखें, पानी वाला मग जिसमें पानी हो। हाँ जी बेटा ये देखें, यहाँ से अब मेरी ये पत्ती डार्क है, ठीक है, तो अब मैंने इस पत्ती को इसको ऊपर दिखा देना, इसको ऐसे दिखा देना बेटा, ये मैंने वाइट कलर को थोड़ा सा इसके, ये देखो एच पी, ये मैंने ले लिया, अब ये व्हाइट कलर को मैंने थोड़ा सा बेटा इसको प्यार से ब्लेंड कर लो। अब मैंने ब्लू लिया बेटा, प्रशियन ब्लू, एक टिप छोटी सी मैंने इसकी ये लिया टर्कवाइज की, ये देखें बेटा, जब पता लगे आपको ब्लू डार्क हो रहा है आप बेटा ब्रश को धो लो, ब्रश को पोंछ लो। बस बेटा इसमें ये क्या है, ब्लेंडिंग ज्यादा अच्छी होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है बेटा इन फूलों में। देखिए फिर मैंने अपनी ये फिंगर यूज करने लगी बेटा, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, ये अब मेरी एक लास्ट पत्ती है बेटा इस फूल की, ये इसको मैंने फिर वाइट लिया बेटा साइड पे, जी आप लोगों का मेरे ख्याल में सब ठीक ठाक होंगे पुत्र। अब शुरू हो गई हैं गर्मियाँ, गर्मियों के सूट भी मैं थोड़े से मैंने बनाए हुए हैं पहले के, बीमार होने से पहले के, वो उनकी भी बेटा मैं एक वीडियो डालूंगी। कैमरी कॉटन के बेटा मैंने सूट बनाया, बिल्कुल
को डिफरेंट डिजाइन से बनाया है बेटा। ये फूल बन गया बच्चे। अब मैंने इसको लेमन येलो और ग्रीन कलर लेने लगी हूँ, सैप ग्रीन। थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा लेमन येलो, एक एक ड्रॉप मैंने डाला है बेटा, क्योंकि थोड़ा सा काम है। ये देखें बेटा, लेमन मैंने बेटा यहाँ पे दिया है, ये देखें। अब मैं सैप ग्रीन लेने लगी हूँ। ब्रश को मैंने पोंछ लिया बेटा। जब भी आपको लगे आपके ब्रश में ज़्यादा कलर है तो बेटा कपड़े से ज़रूर पोंछ लिया करें। ये देखें, अब मैंने फिर लेमन ग्रीन और येलो, ये मैंने इसकी डंडी बना दी है बेटा, स्टेम इसकी। ये दो पत्तियां हैं, ऊपर से मैंने ये लेमन लिया बेटा, नीचे से मैंने सैप ग्रीन। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, पत्तियां देखो बिल्कुल सिंपल से मैंने बनाई हैं, जो आप आराम से बना सकें बेटा। ऊपर से ये लेमन लेना है, नीचे से सैप ग्रीन। ये देख, फिर मैंने बेटा ऐसे किया, ऊपर से लेमन। सिंपल सिंपल बिल्कुल बेटा काम है ये। ये देखें, सिर्फ ब्रश से ब्लेंडिंग करें बेटा अच्छी तरह। मैंने बेटा ये क्रोम येलो कलर लिया है। ये सारे कलर्स फेविक्रिल वाले के हैं बेटा, मैं फिर आपको बता रही हूँ। अब मैं बच्चे ये ग्रीन कलर लिया मैंने, थोड़ा सा इसका सेंटर बनाने के लिए। ये देखें, थोड़ा सा सेंटर लिया मैंने। अब मैंने इसको क्रोम येलो, बिल्कुल एक कॉर्नर पे बेटा कलर लिया मैंने। बेटा कभी आपको लगता है ये सैप ग्रीन यहाँ पे नहीं चल रहा, अब मैं इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लू का टच दे दिया, हल्का सा ग्रीन और ब्लू का। ये देखे बेटा, ये मेरा फूल बन गया। जैसे मैंने शर्ट बनाई है ऐसे मैंने ये बाजू का फूल बना दिया। ये देखे बेटा, आपको अच्छा लगा होगा बच्चे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेटा। फिर मैं अभी आपको मिलूंगी थोड़ी देर के बाद नए सूट लेके, वो वीडियो डालूंगी बच्चे। ओके।